नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने इस बजट को फेल बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है वो निराशाजनक है। जिस तरह से प्रदेश में पलायन हुआ है उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने बजट में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे पलायन को रोकने में मदद मिले। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार को आईना दिखाएगी। सरकार पूरी तरीके से डबल इंजन का जो नारा दिया था उस पर वैसी विफल हुई है। आप बात करें बेरोजगारी की, आप बात करें महंगाई की, ये प्रमुख मुद्दे थे। इन पे कोई सकारात्मक विचार या विमर्श या कोई ऐसी नीति नहीं लाई गई है ज़मीन पे जिससे आम जनमानस को फ़ायदा पहुंचे। साथ साथ पलायन से लेके जो विकास कार्य हैं ये सब बुरी तरीके से पिट चुके हैं, तो इस पे भी कोई चर्चा विशेष और सकारात्मक सोच विशेष नहीं लाई गई है। केवल बार बार घोषणाएं करने से तो कुछ होता नहीं। विकास प्राधिकरण का अस्तित्व खत्म करने की बात करी थी, स्थगित करने की, उसका जियो कहाँ है? अभी भी विकास प्राधिकरण क्यों हावी है? पहाड़ में गोट भी बनानी हो एक इंसान को अपनी गाय की, उसके लिए भी उसको नक्शा पास कराना पड़ रहा है। रुद्रपुर के सिडकुल स्थित अशोका लीलैंड फैक्ट्री में स्थायी रोजगार को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्थायी रोजगार की मांग को लेकर सिडकुल स्थित अशोक लीलैंड फैक्ट्री में सैकड़ों युवाओं ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश, हरीश पुनेरो और सुशील गाबा सहित पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। फैक्ट्री घेराव के दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। लेलैंड और प्रशासन के बीच में जो वार्ता हुई है उससे जो नतीजा है वो संतुष्ट करने वाले नहीं। आखिरकार 4 साल का डिप्लोमा 6 साल में कराया गया, ऐसा डिप्लोमा जिसकी ना मान्यता राज्य सरकार, केंद्र सरकार, AICTE द्वारा है, और उसके बाद जो ट्रेनिंग कराई इन बच्चों को, 12वीं के बाद इनके मूल प्रमाण पत्र ले लिए गए, तो अशोक लेलैंड के अलावा कहीं तकनीकी कार्य नहीं कर सकते। तो आज की अगर मांग है कि इन्हें परमानेंटली रख लिया जाए तो क्या बुरी मांग है? इन बच्चों को 13 के 13 जिलों से बच्चे आए हैं, ज़िला रिक्रूटमेंट ऑफिस से इन्हें एम्प्लॉय करा गया, ये आशीर्वाद योजना के तहत जो निशंक जी ने चालू करी थी। तो दूर दराज के गांव से, उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों के बच्चे, तो वहाँ पे अपने गांव में कैसे मुँह लेके जाएंगे वापस जब यहाँ से निकाल दिया जाएगा और रखा नहीं जाएगा? उसे न्याय के खिलाफ लड़ने आए हैं। सर, मांग हमारी स्थायी जॉब को लेकर है कि हमें जो है जिस चीज़ के लिए यहाँ लाया गया था, एक आश्वासन दिया गया था कि आपको जो है 4 साल का डिप्लोमा करना है, उसके बाद आपको जो है स्थायी रोज़गार दिया जाएगा। तो इस डिप्लोमा की कोई वैलिड, बाहर जो है कहीं भी वैलिड नहीं है डिप्लोमा। इस डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है कि ये 4 साल से होकर 6 साल में हो रहा है, तो कहीं भी मेरे को ऐसा मौका नहीं मिल रहा है कि मैं अपने डिप्लोमा को कहीं बाहर लगा सकूं। इसलिए जो हमने यहाँ एक घोर तपस्या की है, कंपनी में अपना संघर्ष दिया है, और हम इससे ज़्यादा करेंगे, अभी भी जो जितना हमारा पोटेंशियल है उससे हम एफर्ट करेंगे कंपनी को और भी अच्छे मुकाम पे ले जाए। तो हमारी इसलिए कहीं हम बाहर के लिए, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है कि हम बाहर जाके जो है जॉब कर सकें, तो हम इसलिए कंपनी से अपनी सारी यूनिटी की ओर से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो यहाँ हमारा गोल्डन टाइम है जिसमें हमें हमारा जो है कोई चौमुखी विकास हो सकता था वो हमने कंपनी को दिया है और यहाँ प्रशिक्षण किया है, तो हमें जो है स्थायी रोजगार देने की कृपा करें। मेरा नाम है हरिप्रकाश गौड़। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। नैनीताल के जिला चिकित्सालय BD पांडे में हर रोज 100 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं और कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें सबसे अधिक मरीज बुखार, सर्दी, डायरिया, खांसी और अस्थमा के हैं। अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर MS दुक्ताल के मुताबिक ये वक्त मौसम के बदलाव का है और इस वक्त मरीजों की संख्या भी अधिक हो रही है। आबकारी विभाग पौड़ी की ओर से पौड़ी जनपद की 42 अंग्रेजी शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। विभाग की ओर से बताया गया कि पौड़ी जनपद की सभी दुकानों को खरीद दिया गया है। अप्रैल महीने से सभी दुकानों के नए स्वामी विधिवत रूप से दुकानों का संचालन शुरू कर देंगे। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए दुकानें आवंटित की गई और जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में पारदर्शिता से दुकानें आवंटित की गई। जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी राजेंद्र लाल ने बताया कि पौड़ी जनपद की कुल 42 दुकानें हैं जिनमें 112,58,86,000 का अभिभार है। इसमें जो आज हमारी दुकानों का आवंटन हुआ है, इसमें 112,98,86,000 का राजस्व हमको मिल गया है।
ये नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू हो गए। ज़िले में तो उम्मीद है कि सारी शुरू हो जाएंगी, 42 दुकानें शुरू हो जाएंगी। बेरीनाग के जीआईसी मैदान में बसंतोत्सव और प्रदर्शनी की धूम मची है। मेले में जहां मैदानी क्षेत्र से आई व्यापारियों की दुकानें लगी हैं, तो वहीं बच्चों के लिए भी मनोरंजन से भरपूर साधन है। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने नगर क्षेत्र के लोगों से मेले का लुत्फ उठाने की अपील की है। बीजेपी की नगर और ग्रामीण मंडल की बैठक बेरीनाग में आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वालदिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए काम करने की अपील की और 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे जो संगठन की दृष्टि से बेरनाग ग्रामीण मंडल और बेरनाग नगर मंडल है, दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक की है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन का जो कार्य है उस कार्य को बूथ स्तर तक ले जाना और बूथ स्तर तक की जो व्यवस्था बनती है उसको मंडलों द्वारा कैसे संचालित किया जाना और कार्यकर्ताओं से पूरे क्षेत्र की जानकारी भी हमने एकत्रित की है। और जो हमारा उद्देश्य है, जो आने वाले समय में जो चुनाव यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी एक प्रकार से संगठन ने शुरू करके और हमारी जो अंतिम इकाई है बूथ इकाई तक को मजबूत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हरिद्वार में अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती के सानिध्य में सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने बैठक कर एसओपी को संशोधित करने की मांग की है। कनखल की राजपूत धर्मशाला में सभी ने संयुक्त रूप से एसओपी में संशोधन करने की मांग उठाते हुए कहा कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी कुंभ मेले में धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। यहाँ की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, ये आज से हजारों साल का रिकॉर्ड आपका देखोगे, अंग्रेजों के शासन में भी ये चीज़ नहीं हुई, मुगलों के शासन में भी ये चीज़ नहीं हुई कि कुंभ मेले के अंदर कथा सत्संग के आयोजन नहीं होंगे, पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगा, धर्म कर्म नहीं होगा। इस प्रकार की ये एक इनका जो नॉर्म्स है ये ठीक नहीं है। हरिद्वार में बृहस्पतिवार की रात को ज्वालापुर के ट्रेवल व्यापारी की कार रानीपुर झील के पास दीवार को तोड़ते हुए गंग नहर में गिर गई। ट्रेवल्स व्यापारी की पत्नी, बेटे और बेटी समेत चालक की मौत हो गई। चारों लोगों के शव घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर कार के अंदर से बरामद हुए। एक मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को दूसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो गई। दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को और 45 से 59 वर्ष के ऐसे व्यक्तियों को जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिन्हित हैं, उन्हें कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। शुक्रवार को भी काफी तादाद में बुजुर्गों ने दूर दराज से पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका लगाया। सेकंड फेज शुरू हुआ है, 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि 60 साल से ऊपर वालों को टीका लगाया जा रहा है सभी को, और 45 साल से और 59 साल 59 लोगों को, जो लोग कुछ गंभीर कुछ बीमारियां है जो कि लिस्टेड की गई है गवर्नमेंट द्वारा, जो उनसे पीड़ित हैं उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और अभी तक हमारे यहाँ पे जो डाटा है, आज जैसे हमारे यहाँ टीकाकरण चल रहा है, तो अभी तक हमारे यहाँ लगभग ओल्ड एज में 48 लोगों का टीकाकरण हो चुका है और अभी भी लगातार चल रहा है, जो कि 5 मई तक चलेगा। निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्र संघ ने पिथौरागढ़ महाविद्यालय परिसर में तालाबंदी कर दी। छात्र संघ सदस्यों का कहना है कि परिसर में बीबीए और बीसीए के भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र संघ ने महाविद्यालय प्रशासन पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत होने का आरोप भी लगाया। छात्र संघ ने जल्द ही भवन निर्माण की जाँच नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तक बीबीए और बीसीए का जो भवन निर्माण का कार्य हम हमारे महाविद्यालय में चल रहा है, जो मंडी परिसर से यह कार्य है, इसमें ठेकेदार द्वारा 2M क्वालिटी का जो मटेरियल है वो यूज किया जा रहा है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और जो बिल्डिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी निम्न स्तर की है, जिसके लिए हमने पूर्व में भी उसकी जाँच के आदेश दिए गए थे, परंतु हमारा महाविद्यालय प्रशासन सोया हुआ है और वो इसमें किसी तरह की कोई भी जाँच नहीं करा रहा है, और इसमें इनकी भी मिली भगत मुझे शामिल, उसमें भी इनकी मिली भगत मुझे लग रही है।
रही है और आप देखेंगे कि इसमें इतनी घटिया क्वालिटी का रेत वगैरह जो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो रेत है ये इस तरह का मिट्टी भरा रेत इसमें यूज किया जा रहा है। देहरादून के अनारवाला और गुच्चुपानी में अव्यवस्थाओं को लेकर जोहड़ी गांव के लोग देहरादून के डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीडीओ के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें अनारवाला में शराब की दुकान है जिसका कि जोहड़ी गांव के लोग पिछले साल से विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर लोग समाज सेवी मनीष गोनियाल के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीडीओ को ज्ञापन सौंपा। वहीं समाज सेवी मनीष गोनियाल ने कहा कि ज्ञापन देने के बाद भी अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कई बार विधायक से भी शराब की दुकान को हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ध्यान नहीं देते। डीयू जी को मैडम को जो हमने ज्ञापन सौंपा है उसमें हमारी मांगे हैं, पहले तो शराब का ठेका जो अनारवाला भूतुर जो भूतुर सैनिकों का एरिया है उसी जगह में अनारवाल में शराब का ठेका खोला गया है और उसी के 100 किलोमीटर दूरी दायरे में एक भद्रकाली मंदिर है और उसी के 100 किलोमीटर दायरे में एक स्कूल है और वहीं बस स्टैंड है और नीचे उसके पटरसतल हमारा वो है, तो उसमें बहु बेटियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक गणेश जोशी जी ने जब ये पुराने टाइम में धरना चल रहा था तो विधायक गणेश जोशी ने इसमें लोगों को आश्वासन देकर धरना रुकवा दिया था और दूसरे दिन वो काठमांडू चले गए। काठमांडू जाने के बाद उसमें ठेका खुल गया है और लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। दूसरा मेरा पैटरसतल है, पैटरसतल में 61 लाख रुपये साल का सालाना जा रहा है, उसमें टैक्स लगाकर 71 लाख रुपये पहुँच रहा है, उसमें वहाँ पर गंदगी इतनी है कि टूरिस्ट एक बार आए तो दोबारा ना जाए और उसमें दूसरा है कि जो लोकल हमारे व्यापारी है उनको वहाँ रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है और उसमें जैसे कोरोना महाकाल था उसमें कोरोना काल को देखकर कि गांव वालों की समस्या को पहले इनको ध्यान देना चाहिए उसके हम एक उसमें दे रहे हैं मुद्दे में। और दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि साल में एक बार ठेक वो टेंडर होना चाहिए और जो कि टेंडर इन्होंने 5 साल का कर दिया है उसमें आम जनता जो हमारे युवा साथी है उनको रोजगार करने का अवसर नहीं प्रदान हो रहा है, तो इसी में उसमें हमने विज्ञापन मैडम को दिया आज के दिन। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।